हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम के बारे में। जैसे आप सभी को पता है कि आईआरसीसी हर वीक अपना प्रोसेसिंग टाइम अपडेट करती है। आप आईआरसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपकी वीज़ा कैटेगरी कोई भी है, चाहे आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर चुके हैं, विजिटर वीज़ा, स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा, चाहे कोई पीआर की फाइल है आपकी, कोई सिटीजनशिप की फाइल है, कभी भी जाकर आईआरसीसी की वेबसाइट पर जो अपडेटेड प्रोसेसिंग टाइम है उसको चेक कर सकते हैं। इसका बेनिफिट आपको क्या होता है कि आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपकी जो वीज़ा कैटेगरी है उसमें आईआरसीसी को एक फाइल को प्रोसेस करने में कितना एवरेज समय लग रहा है। उससे आपको आइडिया हो जाता है कि आफ्टर बायोमेट्रिक आपकी फाइल पे कितना समय लग सकता है, कितने समय में आपका रिजल्ट आ सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अभी लेटेस्ट डेटा आया 28 दिसंबर को। इस पूरे वीक में अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ, तो क्या प्रोसेसिंग टाइम इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है, किस वीज़ा कैटेगरी का इंक्रीज़ हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। आपकी कैटेगरी कोई भी है, चाहे आपने कोई पीआर की फाइल लगाई है, चाहे आपकी कोई टेम्प्रेरी रेजिडेंट की फाइल है, चाहे आपकी सिटीजन की है, सभी के बारे में इस वीडियो में हम बताएंगे कि किस वीज़ा कैटेगरी के लिए कितना समय चल रहा है, कितने समय में आपका रिजल्ट आ सकता है आफ्टर बायोमेट्रिक, उसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट मेरी यही रहेगी कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि अभी भी 89% लोग हैं जो जिन्होंने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया चैनल। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करिए ताँ जो इनकी वीडियो की रीच ज़्यादा पहुँचे, जो अवेयरनेस हम पहुँचाना चाहते हैं उसमें बच्चों को हेल्प हो सके। इसको लाइक और शेयर भी जरूर कर दें ताँ जो हर एक बच्चा जो अपने रिजल्ट की वेट कर रहा है या जो फाइल लॉन्च करने वाला है उसको एक आइडिया मिल सके कि कितने टाइम में उसको रिजल्ट मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे TRV की एप्लीकेशन के बारे में। TRV में मेनली विजिटर वीज़ा, पेरेंट्स के लिए सुपर वीज़ा, स्टडी वीज़ा, वर्क परमिट, इस तरह की वीज़ा कैटेगरी आ जाती हैं। जहाँ पर अगर हम विजिटर वीज़ा की बात करते हैं तो विजिटर वीज़ा मेनली तीन तरह का होता है। पहले है विजिटर वीज़ा आउटसाइड कनाडा। जहाँ पर आउटसाइड कनाडा की बात करें, यानी कि आप अपने होम कंट्री से, अगर मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ जहाँ पर, क्योंकि ये डेटा कंट्री वाइज आता है, जहाँ पर आपने देखा इंडिया लिखा हुआ है, इंडिया का पहले टाइम था 32 डेज, अभी एक दिन कम होकर 31 डेज में जो इंडिया से बच्चा या एप्लीकेंट अपनी विजिटर वीज़ा की फाइल लगा रहा है उसको रिजल्ट आ रहा है। अगर मैं नॉर्मल देखूँ जो रिजल्ट एक्चुअल में आ रहे हैं, वहाँ पर 90% जो फाइल्स हैं उनका रिजल्ट 30 से 40-45 दिन में आ रहा है। 10% फाइल्स में से 5% का थोड़ा जल्दी और 5% का थोड़ा डिले हो रहा है। तो यानी कि अगर विजिटर वीज़ा की बात करें तो जैन एंड टे के कारण थोड़ा सा विजिटर वीज़ा डिले चल रहा है। इसके बाद इनसाइड कनाडा, जो लोग ऑलरेडी कनाडा में हैं, अपना विजिटर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, उनके बारे में बात करें तो वहाँ पर पहले 13 दिन थे, अभी 2 दिन इंक्रीज़ हुए हैं 15 डेज में। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे रिजल्ट मिल रहा है बच्चों को, एप्लीकेंट्स को, जो विजिटर वीज़ा इनसाइड कनाडा, जो ऑलरेडी कनाडा में है विजिटर वीज़ा अप्लाई करें उनके लिए। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के लिए सुपर वीज़ा की, तो वहाँ पर इंडिया का जो प्रोसेसिंग टाइम है पहले 46 डे था, अभी इंक्रीज़ हुआ है 3 दिन के लिए, 49 डेज अभी हो चुका है। यानी कि अगर सुपर वीज़ा के लिए आप अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं तो लगभग 2 मंथ में आप मानकर चल सकते हैं कि आपको आपका रिजल्ट मिल सकता है। इसके बाद जो सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन है या गुड न्यूज़ मैं इसको कहूँगा कि स्टडी परमिट आउटसाइड कनाडा, क्योंकि स्टडी परमिट के लिए बच्चे बहुत वेट करते हैं, उनको डेफरमेंट भी लेना पड़ता है, स्टडी परमिट कंटिन्यू कम हो रहा है। अभी इस वीक में मुझे लगता था कि जो स्टडी परमिट है वो थोड़ा इंक्रीज़ होगा, मगर इस वीक में 1 वीक और कम होकर 9 वीक से 8 वीक रह चुका है। यानी कि काम कम होने के बावजूद एम्बेसी ने स्पेशली स्टडी वीज़ा पे ज़्यादा फोकस किया और उसका प्रोसेसिंग टाइम अभी 8 वीक में आ चुका है। यानी कि सिर्फ 2 मंथ में आपकी एप्लीकेशन पे रिजल्ट आ सकता है, मगर जो नॉर्मल रिजल्ट आ रहे हैं वो 10-15 दिन में, 20 दिन में आफ्टर बायोमेट्रिक बच्चों को आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है उन सभी बच्चों के लिए जो स्टडी वीज़ा के लिए अपने रिजल्ट की वेट कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करूँगा कि ये 2024 में भी ऐसा ही चले। इसके बाद हम बात करेंगे विजिटर वीज़ा एक्सटेंशन के बारे में। जो लोग ऑलरेडी विजिटर वीज़ा पे कनाडा में हैं और विजिटर वीज़ा एक्सटेंशन चाहते हैं उनके लिए जो टाइम है वो कम हुआ है, 79 डेज से 7 डेज कम होकर 72 डेज रह चुका है। यानी कि जो लोग ऑलरेडी कनाडा में विजिटर वीज़ा पे हैं, किसी भी कारण वो विजिटर वीज़ा एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है कि एक्सटेंड होगा या नहीं होगा, मगर 79 डेज में उनका रिजल्ट है, 72 डेज में उनका रिजल्ट उनको मिल रहा है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। स्टडी परमिट इनसाइड कनाडा, ये स्टडी परमिट की दूसरी कैटेगरी है कि आप वहाँ पर विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा या किसी भी तरह के वीज़ा पे गए, वहाँ पर जाकर आप अपना वीज़ा कन्वर्ट करना चाहते हैं स्टडी परमिट में, तो
तो उसके लिए काफ़ी समय से 4 वीक यानी कि 1 मंथ का टाइम चल रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। पहले भी 4 वीक था, अभी भी 4 वीक है। अगर आप किसी वीज़ा कैटेगरी के साथ, जैसे कल मैंने एक विजिटर वीज़ा की एप्लीकेशन वीडियो आपके साथ शेयर की थी कि आप विजिटर वीज़ा लेकर वहाँ पर जा सकते हैं, वहाँ पर थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहाँ पर आपको काम मिल रहा है, जिस कॉलेज में आपको कम फीस में अच्छी ऑप्शन मिल रही है, वहाँ पर जाकर आप एडमिशन ले सकते हैं, उनके लिए ये ऑप्शन है कि 1 मंथ के अंदर अंदर आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। स्टडी परमिट एक्सटेंशन ये उन बच्चों के लिए होता है जो 1 साल का प्रोग्राम लेकर जाते हैं, वहाँ पर जाकर वो अपना प्रोग्राम एक्सटेंड करते हैं, यानी कि एक नए साल के लिए वो अप्लाई करते हैं स्टडी वीज़ा के लिए, उसको स्टडी वीज़ा एक्सटेंशन कहते हैं। जहाँ पर भी नॉर्मली 101 दिन में बच्चों को रिजल्ट आ रहा है, 22 दिन कंटिन्यू कम हुए हैं, जहाँ पर मतलब काफ़ी बड़े अमाउंट में प्रोसेसिंग टाइम कम हुआ है, 22 डेज कम होकर 101 डेज में ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जहाँ पर रिजल्ट आ रहा है। वर्क परमिट इनसाइड कैनेडा, इनके लिए थोड़ी सी बैड न्यूज़ है। वर्क परमिट वाले एप्लीकेंट पहले भी थोड़ा डिले देख रहे थे, क्योंकि जैन इनटेक था, जब भी कोई इनटेक आता है तो जो दूसरी कैटेगरीज होती हैं वहाँ पर रिजल्ट स्लो हो जाता है। वर्क परमिट के लिए काफ़ी समय से हमने देखा 9 से 10 वीक हुआ, 10 से 11, 11 से 12, अभी 1 वीक जो स्टडी परमिट में डिक्रीज हुआ था जहाँ पर इंक्रीज हो गया, अभी 12 से 13 वीक हो चुका है। वर्क परमिट के लिए गुड न्यूज़ नहीं है, उनके लिए थोड़ा बैड न्यूज़ है कि 1 वीक आपका और डिले हो गया। उम्मीद करूँगा कि 2024 में जो वर्क परमिट के लिए पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं लीमिया में, उनको जल्दी से जल्दी वीज़ा मिले और वो जो भी उनका सपना है वो पूरा हो सके। वर्क परमिट इनसाइड कैनेडा ये भी वैसे ही एक ऑप्शन है जो स्टडी परमिट इनसाइड कैनेडा वाली, के जो लोग टूरिस्ट वीज़ा पे, विजिटर वीज़ा पे या किसी वीज़ा पे कैनेडा में ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं, वहाँ पर जाकर स्विच करना है वर्क परमिट पे, लीमिया मिल चुका है, उनके लिए है। अगर वो ऑनलाइन अप्लाई करते तो 122 दिन लगेंगे, अगर वो पेपर वेस्ट तो सिर्फ 15 दिन में उनको रिजल्ट मिल सकता है, 4 दिन जहाँ पर उनके कम हुए हैं। ये काफ़ी बड़ी ऑप्शन है, गुड न्यूज़ मैं कहूँगा स्टडी वीज़ा वालों के लिए कि उनका 1 वीक और कम हो चुका है, 12-13 वीक तक का जो प्रोसेसिंग टाइम था अभी 8 वीक पे आ चुका है। जो डर था हमें कि दिसंबर में बैकलॉग ज़्यादा होगा, प्रोसेसिंग टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी बड़े नंबर्स में स्टाफ जहाँ से गया था इंडिया से, मगर फिर भी IRCC ने बहुत अच्छा काम किया। अभी हम बात करेंगे उन बच्चों के लिए जो अपनी फाइल PR के लिए लगाना चाहते हैं। कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास की बात करेंगे तो जहाँ पर मैं मेनली बता देता हूँ कि कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगी, लगभग सभी जगह सेम रहेगा। 28 दिसंबर को 5 मंथ लगेंगे अगर कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में आपने फाइल लगाई है, तो आपका जो टाइम है वो 5 मंथ रहेगा। अगर आप FSWP यानी कि फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम में जा रहे हो तो भी आपको 5 मंथ तक का समय लगेगा। ये एक ऑप्शन ऐसी है जो फेडरल स्किल ट्रेड की है प्रोग्राम की, वहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं आई काफ़ी समय से, तो ये प्रोसेसिंग टाइम अभी शो नहीं होता तो वहीं पर रहेगा। PNP प्रोग्राम वालों के लिए 8 मंथ का टाइम लगेगा, यानी कि अगर आप PNP में जा रहे हैं, आपकी फाइल प्रोसेस हो रही है, तो 8 मंथ में आपको रिजल्ट आ सकता है। उसके बाद नॉन एक्सप्रेस एंट्री PNP की बात करें तो वहाँ पर 15 मंथ का आपको टाइम लग सकता है। क्यूबिक स्किल्ड वर्कर, जहाँ पर आपको 1 साल तक का टाइम लग सकता है अगर आप क्यूबिक स्किल्ड वर्कर के ऑप्शन लेकर अपनी फाइल प्रोसेस करवा रहे हो। आगे की जो 4 ऑप्शन है वो सारे क्यूबिक ही हैं, क्यूबिक बिजनेस क्लास, एंटरप्रेन्योरशिप, इन्वेस्टर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस, सभी के लिए क्यूबिक में 60 मंथ यानी कि 5 साल तक का समय लग सकता है अगर आप क्यूबिक में इन ऑप्शंस के लिए ट्राई कर रहे हो। उसके बाद फेडरल सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 52, अटलांटिक का इमिग्रेशन प्रोग्राम 6 मंथ में हो सकता है, स्टार्टअप का वीज़ा अगर आपने अप्लाई किया तो 37 मंथ यानी कि लगभग 3.5 साल में आपकी फाइल प्रोसेस हो सकती है PR के लिए। इसके बाद बात करेंगे जो फैमिली क्लास वाले एप्लीकेंट्स हैं, अगर आपने स्पाउस, अपने कॉमन लॉ पार्टनर को आउटसाइड कनाडा यानी कि अपने होम कंट्री से बुलाना चाहते हैं और आपकी एप्लीकेशन क्यूबिक के लिए नहीं है, किसी अदर प्रोविंस के लिए, कनाडा में किसी भी प्रोविंस के लिए हो सकती है, तो आपका 1 साल में प्रोसेस हो सकता है। जो लोग PR की एप्लीकेशन लगा रहे हैं अपने स्पाउस, कॉमन लॉ पार्टनर के लिए, अगर इतना टाइम आप वेट नहीं करना चाहते तो आप अपने विजिटर वीज़ा पे अपने स्पाउस को बुला सकते हैं। साथ के साथ आपकी जे एप्लीकेशन भी चलती रहेगी, साथ के साथ आप अपने स्पाउस को विजिटर वीज़ा पे अपने पास बुला सकते हैं। अगर आपके स्पाउस, कॉमन लॉ पार्टनर आउटसाइड कनाडा से अप्लाई कर रहे हैं यानी कि अपने होम कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं मगर आपकी एप्लीकेशन क्यूबिक के लिए है, तो ये टाइम बढ़कर 42 मंथ हो सकता है यानी कि 4.5 साल के आसपास हो सकता है, 4 साल के आसपास मान लीजिए। स्पाउस, कॉमन लॉ पार्टनर लिविंग इनसाइड कनाडा, अगर आपके स्पाउस, कॉमन लॉ पार्टनर कनाडा में ही रहते हैं और आपकी एप्लीकेशन क्यूबिक के लिए नहीं है, तो वो उनका PR 10 मंथ में पूरा हो सकता है। अगर
आपके पेरेंट स्पाउस कॉमन लॉ पार्टनर इनसाइड कनाडा रहते हैं और क्यूबेक के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपको करीब करीब 26 मंथ लग सकते हैं, यानी कि क्यूबेक की जितनी भी एप्लीकेशन है वहाँ पर प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा है। अगर आप अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को पीआर के लिए बुला रहे हैं आउटसाइड कनाडा से, मगर क्यूबेक के लिए नहीं बुला रहे, तो आपके लिए जो टाइम है 23 मंथ। अगर आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स क्यूबेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप क्यूबेक में रहते हैं क्यूबेक के लिए, तो 48 मंथ का टाइम उनको लग सकता है। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए भी वही सेम ऑप्शन रहती है कि अगर वो पीआर पे आप बुलाना चाहते हैं, क्योंकि जहां पर आप देखिए करीब करीब 2 साल या 4 साल का समय उनको लगेगा, तो इसके साथ पैरेलली आप अपना सुपर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जिसके साथ आपके जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो आपके पास आ सकते हैं बहुत कम समय में, यानी कि 1 से 2 मंथ के अंदर अंदर। क्योंकि हमने जो सुपर वीज़ा का टाइम देखा था उसमें 46 डेज है सिर्फ इंडिया से, तो यानी कि 1.5 से 2 मंथ के अंदर आपके पेरेंट्स आपको विजिट कर सकते हैं। इसके पे मेरी पूरी एक वीडियो है, विजिटर वीज़ा वर्सेस सुपर वीज़ा, सुपर वीज़ा के बेनिफिट्स क्या होंगे, आपकी पीआर की एप्लीकेशन लगी है उसके साथ आप सुपर वीज़ा की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अगर आप अपने स्पाउस को बुलाना चाहते हैं, जैसे हमने वहाँ पर देखा 1 साल तक का समय लग रहा है, तो आप विजिटर वीज़ा पर अपने स्पाउस को साथ में बुला सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन है। आप स्पाउस ओपन वर्क परमिट पर बुला सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी हेल्प करेगी आने वाले साल में। जो भी आपके सपने हैं वो सारे सपने भगवान करे, मैं दिल से दुआ करूंगा वो सारे पूरे हों, और जो भी आपने अचीव करना है वो 2024 आपके लिए बेस्ट ईयर रहे, जहां पर आप अपने सारे सपने अचीव कर पाएँ। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। लास्ट में आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें, ताकि हम इसी तरह अवेयरनेस पूरे जितने भी लोग कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए लेकर आते रहें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने।